हेलो दोस्तों, विकास अकेडमी गुना एमपी में आपका स्वागत है। मैं विकास रघुवंशी, आज हम आपके लिए जो हमारी मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, जिसमें हम सितंबर माह के क्वेश्चनों को कर रहे हैं, उसमें हम आगे के क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबाना, जिससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम आपके लिए एक बात और बता देते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर एमपी पुलिस की प्रीवियस ईयर के जो 2017 के पेपर हैं, उनको क्वेश्चन पेपर को हम जी के जी एस को सॉल्व करके डाल रहे हैं। अगर आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए उन क्वेश्चनों को तैयारी करना अच्छा रहेगा। तो आप उसकी वीडियो जाकर विकास अकेडमी गुना एमपी की प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चनों की हम शुरुआत करती हैं। इससे पहले हमने यहाँ तक यानी आदित्यपुर तक क्वेश्चन कर लिए थे, अब इससे आगे हम करते हैं। देखिए, 16 सितंबर 2020 को यूरू मनी द्वारा 2020 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये आदित्यपुर को दिया गया है। तो अब तक हमने यहाँ तक ये कर लिए थे, चलिए अब इससे हम आगे करते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, 16 सितंबर 2020 को किस जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता का निधन हो गया है? तो स्वामी अग्निवेश का हो गया है, ये सामाजिक कार्यकर्ता थे। ठीक है, तो इनका निधन 16 सितंबर 2020 को हुआ है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम। 16 सितंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने कोरोना महामारी को रोकने के लिए माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी शीर्षक से एक राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने किया है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना होगा कि महाराष्ट्र सरकार ने माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी शीर्षक से एक राज्यव्यापी अभियान की शुरुआत की है। ये कोरोना महामारी से बचने के लिए शुरुआत की गई थी, क्योंकि 16 सितंबर 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम। 16 से 30 सितंबर 2020 के बीच कौन स्वच्छता पखवाड़ा दिवसीय मना रहा है? तो भारतीय रेलवे मना रहा है। ठीक है, 16 से 30 सितंबर के तक 2020 के बीच कौन सा स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया था? ठीक है, तो भारतीय रेलवे ने मनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 सितंबर 2020 को किस कंपनी ने SBI के साथ मिलकर भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी लॉन्च की है? तो टाइटन कंपनी ने की है। ठीक है, तो ये पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी होगी। ठीक है, तो आप ये SBI के साथ मिलकर की है, तो आपको याद रखना है SBI बैंक है, इसका फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। 17 सितंबर 2020 को पेटीएम फर्स्ट गेम PFG जिसे ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सचिन तेंदुलकर को किया है। ठीक है, तो ये पेटीएम फर्स्ट गेम PFG के नाम से जाना जाता है, तो इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सचिन तेंदुलकर हैं, जो कि एक क्रिकेटर हैं। ठीक है, 17 सितंबर 2020 को इन्हें बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 17 सितंबर 2020 को केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा देने के बाद खाद्य प्रशासन उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को सौंपा गया है। तो हरसिमरत कौर ने खाद्य प्रशासन उद्योग मंत्रालय की मंत्री थी, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो इसका अब अतिरिक्त प्रभार कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को दिया गया है। ठीक है, तो याद रखना है आपको हरसिमरत कौर ने 17 सितंबर 2020 को ये इस्तीफा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम। 17 सितंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने विभिन्न सहकारी संस्थाओं के माध्यम से 39,300 करोड़ के ऋण वितरण करने के लिए आर्थिक सपना धन ऋण वितरण के कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो ये कर्नाटक सरकार ने किया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम।
17 सितंबर 2020 को ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9stacks ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सुरेश रैना को बनाया है। ठीक है, तो ये ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9stacks ने बनाया है सुरेश रैना को। ये क्रिकेटर हैं, इस 17 सितंबर 2020 को इसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम। 17 सितंबर 2020 को 5-star COVID-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन बना है? तो इटली के रोम स्थित फ्यूमीसिनो एयरपोर्ट बना है। कौन सा बना है? फ्यूमीसिनो एयरपोर्ट बना है। तो ये 5-star COVID-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट है। ठीक है, तो ये 17 सितंबर 2020 को बना है, तो आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 सितंबर 2020 को सऊदी अरब के सुल्तान की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित G20 देशों की पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो केंद्रीय पर्यावरण जलवायु परिवर्तन और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि G20 देशों की जो मंत्रियों की पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक में केंद्रीय पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम। 17 सितंबर 2020 को किस विषय के साथ विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया है? हेल्थ वर्कर सेफ्टी आ प्रायोरिटी फॉर पेटेंट सेफ्टी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है, तो आपको ये याद रखना है। इसकी थीम को भी याद रखना है, कभी कभी पूछ ली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम। 17 सितंबर 2020 को जारी पुरुष फीफा रैंकिंग में भारतीय टीम किस स्थान पर रही है? तो 109वां स्थान मिला है इसको। प्रथम स्थान बेल्जियम की पुरुष टीम को मिला है, तो आपको ये याद रखना है। ये पुरुष फीफा रैंकिंग में भारतीय टीम की रैंकिंग है, 109वां स्थान मिला है। तो ये 17 सितंबर 2020 को जारी की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम। 18 सितंबर 2020 को पहली बार वैश्विक स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस के रूप में मनाया गया है। तो ये वैश्विक स्तर पर मनाया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है 18 सितंबर को ये मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 सितंबर 2020 को राज्यसभा सांसद अशोक शास्त्री का निधन हो गया है। वे किस राज्य से राज्यसभा सांसद थे? वे कर्नाटक से थे। ठीक है, तो अशोक शास्त्री राज्यसभा सांसद थे, 18 सितंबर को इनका निधन हो गया है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए आज के क्वेश्चनों को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको अगर इन क्वेश्चनों में कुछ भी समझ में आया हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में बैठ कर पूछ सकते हैं। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर बताना कि ये वीडियो में कुछ कमी है, तो हम इसे और भी सुधार कर बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलती है। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।